हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू वर्ड सक्सेस में। और यूपी पुलिस का रिजल्ट है, आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि उनके अच्छे मार्क्स थे लेकिन उनका नहीं हो पाया, जबकि उनके फ्रेंड या उनके किसी मिलने वाले के कम मार्क्स थे और उसका सिलेक्शन हो गया। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, किस किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितना बेनिफिट मिला और कितने नंबर तक के जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड, आप मुझसे अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। ये एक इंडिया का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस मैं बनाता हूँ, जिनको आप देखकर अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसको फॉलो करने के लिए आप लिंक को ओपन करें और मुझे फॉलो कर लें, ताकि मैं कोई भी कोर्स आपके मतलब का अगर वहाँ पर डालूँ तो आप उसको देख पाएँ। तो हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट के बारे में, कि जैसा आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट आपका आया, उसके अंदर आपने अभी जो हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, 5 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ, जो कि 2 पहले थी और 3 बाद में हुई। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला है वो पहले वाले बच्चों को ही मिला है नॉर्मलाइजेशन का। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके जो मार्क्स थे वो अब जो मार्क्स आए बाद में बच्चों के वो थोड़ा कम आए हैं उनके कंपेरिजन में। यानी कि अगर 19 सबसे ज़्यादा की बात करें तो 19 की फर्स्ट को सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिला है नॉर्मलाइजेशन का। मैंने आपको पहले बता दिया था जब मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने, मैंने बोला था कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट 19 फर्स्ट को मिलेगा, फिर 19 सेकंड को मिलेगा और बाद में आप 25-26 में बहुत ही थोड़ा थोड़ा बेनिफिट इनको मिलेगा। और ऐसा ही देखने को मिला है। तो जो हमने एनालिसिस आपके लिए तैयार की थी वो कट ऑफ भी आपको बता चुका था कि 180 के आसपास रह जाएगी। जब फर्स्ट टाइम हमने पेपर दिए थे आपने देखा उसी के आसपास कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन होकर वहाँ पर चली गई है। तो 19 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स अभी तक मुझे दिखने को मिले हैं, जिनके लोवेस्ट मार्क्स मैंने सुने हैं 180 मार्क्स थे जब उन्होंने आंसर की में मैच कराए थे, अब उनका जो है सिलेक्शन हो गया है, डीवी के लिए उनको लिए कॉल लेटर खुल गया है। तो 19 के लिए तो 180 और 18 वाले जितने भी थे, 18 की फर्स्ट शिफ्ट वाले, उनमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स बढ़े हैं। लोएस्ट मार्क्स कितने रहे उसमें तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन अगर 25 की जो हमारे 25 के भी जो मार्क्स हैं वो थोड़ा बढ़े हैं, 26 की फर्स्ट के मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन 26 की सेकंड के मार्क्स आई थिंक नहीं बढ़े हैं, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स अगर पार थे तो उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के 26 की सेकंड के 210 मार्क्स भी थे तो उसके मार्क्स वो क्लियर नहीं कर पाया, यानी कि 216 अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 210 अगर किसी के थे वो 216 पार नहीं कर पाया है। इसका रीज़न यही है कि जो नॉर्मलाइजेशन है 26 की सेकंड में बहुत ही ना के बराबर हुआ है। हो सकता है मार्क्स कम भी हो गए हों, ये बिल्कुल सर्टेन तो नहीं है, लेकिन ऐसी जो आशंका है वो आप लगा सकते हैं कि हो सकता है थोड़े बहुत मार्क्स कम भी हो गए हों, नॉर्मलाइजेशन में होते भी हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट 19 की फर्स्ट को मिला, उसके बाद 18 की फर्स्ट को, और फिर 25 की जो शिफ्ट हुई है और 26 की जो पहली शिफ्ट है और 26 की सेकंड को बहुत ही ना के बराबर, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी बेनिफिट मिला है। तो ये सारी एनालिसिस थी जो अभी तक बच्चों से बात करने में पता चली, हमारे जो भी कॉन्टैक्ट में थे उनसे बात करने पता चली, कई कैंडिडेट्स के हमने देखे भी थे पहले जो नंबर थे और बाद में अभी उनके लिए जो डीवी का कॉल लेटर है वो आ गया है। तो ऑल द बेस्ट जिनका हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है वो अच्छे से तैयारी करें, आपके पास में फिर से अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, इसको अच्छे से अपनी परीक्षा को करें। Thank you for watching this video.